हरियाणा, अगर इसके पाली के पुराने नाम में जाएंगे तो यह है अरियाणा, अरिय यान और उसका स्थान, यानी अरिय यान ठान। अरिय माने होता है नोबल यानी सबसे अच्छा, और यान माने होता है ज्ञान यानी नॉलेज, और ठान माने होता है स्थान। इन तीनों शब्दों को मिलाकर आज के समय हरियाणा बोलते हैं, हरियाणा, फिर हरियाणा से हरियाणा हो गया। दरअसल एक बार भगवान बुद्ध कम्बासपुर में आए थे, सोनीपत के पास में कम्बासपुर की जगह है, वहाँ पे कुछ दिन रहे थे। तो वहाँ की एक बात उन्होंने बड़ी नोट की कि यहाँ जो लोग हैं वो पहले से ही पंचशील का पालन करते हैं, यानी पहले से ही ना तो वो चोर हैं, ना वो उठाई गिरे हैं, ना वो व्यभिचारी हैं, ना वो शराबी हैं, ना ही कोई नशा करते हैं, ना ही वो झूठ बोलते हैं, और ना ही वो हत्या करते हैं। जो पांच सील हैं उनका पालन करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो पहले से ही पांच सील का पालन करते हैं वो अपने दुखों से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन अगर वो अभ्यास करें, 7 दिन विपस्ना साधना मेडिटेशन तप करें तो। और वहाँ उन्होंने जो जानकारी दी उसको सूत्र कहते हैं, और उस सूत्र को कम्बासपुर सूत्र के नाम से, महासती पठान या सती पठान सूत्र के नाम से जाना जाता है। दरअसल सती जो कोर्स है वो एडवांस कोर्स है, जो नॉर्मल साधना का कोर्स है उससे एडवांस होता है, उसमें जल्दी आदमी अपने दुखों से मुक्त हो जाता है। वहाँ आज एक ट्रेनिंग सेंटर भी है, एक वहाँ पर बुद्ध विहार भी है कम्बासपुर में, सोनीपत में, और वहाँ लोग ये साधना करते भी हैं। क्योंकि जो हरियाणा है, हरियाणा को पहले कुरु प्रदेश के नाम से बोला जाता था। कुरु जो 16 महाजनपद थे उनमें एक का नाम कुरु था, इसलिए इसको कुरुक्षेत्र भी बोलते हैं, और कुरुक्षेत्र को बाद में कुरुक्षेत्र यानी खेत को क्षेत्र बोलने लगे तो कुरुक्षेत्र हो गया, और बाद में फिर खाली खाली ये जो कुरुक्षेत्र है या कुरुक्षेत्र एक छोटा सा सिटी हो गया, और बाकी सारा जो प्रदेश है वो हरियाणा हो गया। यानी कि लोग इतने ज़्यादा वहाँ शुद्ध हो गए, इतने ज़्यादा वहाँ मोक्ष को प्राप्त कर गए, अमृत को प्राप्त कर गए, अमृत को प्राप्त कर गए कि उस पूरे क्षेत्र का नाम हरियाणा हो गया। आज भी वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे हैं, सादा सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, अपने खेत कारोबार में लगे रह जाते हैं, ना वो चोरी करते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं, ना वो नशा पदा करते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि सम्राट अशोक के समय में, बुद्ध के बाद, भारत में ना तो कोई सिख था, ना कोई ईसाई था, ना कोई हिंदू था, ना ही कोई मुसलमान था, ना ही कोई कबीरपंथी, ना ही कोई राधा स्वामी, ना ही कोई नामदेव वाला, ना ही कोई यहाँ ऐसा था जो कोई किसी मत में अलग रहता हो। क्योंकि सम्राट अशोक का जो महाभारत है जिसके अंदर नेपाल, भूटान, श्रीलंका, चीन का छोटा हिस्सा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी हैं, बर्मा तक और ईरान का हिस्सा, ये सारे के सारे, और भारत जो इस समय है वो, क्योंकि अब तो भारत छोटे छोटे टुकड़े हो गए भारत के, तो महाभारत रहा नहीं। उस समय तक यहाँ कोई और पद्धति थी नहीं, बुद्ध की पद्धति ज़्यादा चलती थी क्योंकि वो सरल थी, सादा थी, या महावीर की चलती थी जो थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड थी क्योंकि उसमें बिना कपड़ों के रहना पड़ता था, जो टीचर होते थे उनको तो थोड़ा सा दिक्कत वहाँ महसूस होती होगी। इसलिए टोटल जो हरियाणा है वो बहुत शानदार जगह रही है, चाहे वो जो आज के समय वहाँ पे हथीन के अंदर बुद्ध विहार निकलते हैं, चाहे हम उसकी बात करें, चाहे रानी सामावती की बात करें, चाहे अग्रोहा की बात करें, अग्रोहा के अंदर बहुत सारे बुद्ध विहार हैं, चाहे यमुना नगर के अंदर जो स्तूप है बहुत बड़ा उसकी बात करें, चाहे कुरुक्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का जो मेन सिटी है उसको थनेसर बोलते हैं, और जहाँ कुरुक्षेत्र की यूनिवर्सिटी बनी हुई है वहाँ एक बुद्ध विहार है जो ASI ने वहाँ अपना बोर्ड लगाया हुआ है कि ये बुद्ध विहार का टॉप है, किसी ने खोदा नहीं है, अगर खोदेंगे तो नीचे बुद्ध विहार दबा हुआ है उसके अंदर। तो ये कमाल की बात रही, क्योंकि बुद्ध के धम्म के अंदर कोई चमत्कार आडंबर होता नहीं है,
बुद्ध चले गए, उनके जानकार चले गए, मगर लोगों से धम्म नहीं गया। इसलिए हरियाणा के लोग आज भी सीधे सच्चे और सबसे अच्छे लोग हैं। धन्यवाद। धम्मं शरणं गच्छामि।